Hello viewers. Today we will discuss the photosynthesis light phase part 2. In this part, we discuss the mechanism of light reaction. There are three steps in the mechanism of light reactions. First is excitation of the chlorophyll molecule by absorbing the light energy from ground state to the higher state. Second is photolysis of water and third is the photophosphorylation first is photolysis of water and oxygen evolution that is also named as hill reaction as it is identified by the named scientist named robert hill that's why this reaction is also named as hill's reactions first time a scientist von neil discovered that the source of oxygen evolution is वॉटर नोट द कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज द ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इन स्टेड ऑफ विच डू नॉट रिलीज दिथेसिस जब जो वॉर्न नील थे उन्होंने एच टू ओ की जगह एच टू एस जो की ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन असप्टर प्रेजेंट होते हैं उसको यूज किया जब उसने एच टू एस को यूज किया तो वहां पे ऑक्सीजन की जगह सल्फर रिलीज हुआ इट मीन्स इट प्रूव्स दैट द ऑक्सीजन इवोल्व ड्यूरिंग फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड बट फ्रॉम द वॉटर ऑफ वेन इज स्पोर्टेड बाय द साइंटिस्ट रॉबर्ट हिल ऑन विच नेम दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज हिल रिएक्शन रॉबर्ट हिल ने क्या किया उन्होंने एक्सट्रैक्ट आउट किया इनको लीव में से क्लोरोप्लास्ट को एक्सट्रैक्ट आउट किया स्टेलामीडिया और लेमियम एल्बम के जो लीफ थे उनमें से क्लोरोप्लास्ट को एक्सट्रैक्ट आउट किया और उनको टेस्ट ट्यूब में रखा उन टेस्ट ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन सेप्टर थे सुटेबल इलेक्ट्रॉन सेप्टर अदर देन द वाटर मीन वो जो उसने यूज किए थे आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन सेप्टर्स वो थे पोटेशियम फेरोक्सिलेट फे, और पोटेशियम फेरी जो कि वो जो नेचुरल कंडीशंस जो होती हैं लीफ में वहाँ पे वाटर एज ए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर काम करता है बट जो हील्स ने रिएक्शन दी उसमें उसने बाहर जो रिएक्शन किया टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन परफॉर्म किया उसने उसने वाटर की जगह पोटेशियम फेरोक्सिलेट और पोटेशियम फेरिसाइनाइट को यूज किया तो उसके अंदर ऑक्सीजन इवोल्यूशन टू प्लेस ड्यू टू फोटोकेमिकल स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इसी से इसने प्रूव किया कि जो फोटोकेमिकल स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर होती है उसी की वजह से जो ऑक्सीजन है वो इवॉल्व होती है एंड दिस स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग जो वाटर की स्प्लिटिंग होती है उसी को बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर फोटो फोटोमींस लाइट की लाइसिस लाइसिसाउन की वाटर का जो ब्रेक डाउन हो रहा है लाइट की वजह से दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इसके अंदर बहुत सारे जो मेनली uh, जो थ्री मिनरल्स हैं मैग्नीज कैल्शियम और क्लोराइड का प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में एंड एज दिस रिएक्शन इज आइडेंटिफाइड बाय द रॉबर्ट हिल सो दिस इज ऑल्सो नेम्ड एज हिल रिएक्शन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होने के लिए दो वॉटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है जो फोटोलिसिस ऑफ वॉटर होता है वो सिंगल एक उससे नहीं होगा वो ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है पूरा पिगमेंट्स का उसी से फोटो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगी जिसमें फोटोसिस्टम जिस कॉम्प्लेक्स में फोटोसिस्टम टू भी इन्वॉल्व होता है इन प्रेजें और ये इस जो फोटोलिस ऑफ रिएक्शन है इसको कैटलाइज करते हैं मैगनीज और क्लोराइड आयन जब फोटो सिस्टम टू एक्टिव होता है तो ये लाइट को रिसीव करता है और वही लाइट फोटोलिसिस ऑफ वाटर में हेल्प करती है जो वाटर है उसको फोटोलाइज करती है इन हाइड्रोक्सिल आयन एंड हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन यूनाइट टू फॉर्म सम वाटर मोलिकुल्स अगेन एंड रिलीज ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज बिलीव्ड दैट फोटोलिस ऑफ वाटर इन्वॉल्व ए strong oxidant. एक स्ट्रोंग जो ऑक्सीडेंट है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है जिसको क्लियरली अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है और जिसको जेड से डिनोट करते हैं ये भी आके डिस्कस करेंगे कि इसको जेड से डिनोट क्यों करते हैं इसके अंदर फाइव स्टेट्स होती हैं उन उनको इसी वजह से जो फाइव स्टेट्स है उनको रिप्रेजेंट किया गया है एस जीरो टू एस फोर तक एस जीरो एस वन एस टू एस थ्री एंड एस फोर जो ये नंबरिंग है इनकी ये बताती है इनकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ द वाटर ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम और वाटर ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स की जो ऑक्सीडाइजिंग स्टेट है वो क्या है टू है, है तो टू थ्री है, है तो फोर तो चार्ज तो तो इस टाइप से ये फाइव स्टेट्स इसकी होती है इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर इस टाइप से ये फाइव स्टेट्स होंगी जैसे ये एस जीरो स्टेट्स है जो फोटो सिस्टम जो फोटो सेंटर टू है फोटो सिस्टम में पी सिक्स एटी वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है एक्साइटेड स्टेट में जाता है अपनी लाइट को इवोल्व करके इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है एस जीरो स्टेट को जैसे ही इस स्टेज को वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो इसके ऊपर सिंगल चार्ज आ जाएगा और ये एस जीरो से एस वन स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी सिमिलरली ये साइकिल मूव करती रहती है जब तक इस पर पूरा जो फोर इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो जाते हैं पूरी उसमें इस जो पूरी साइकिल में फोर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं और जो स्टेट है वो एस जीरो से एस फोर में कन्वर्ट हो जाती है और वापस से जो ये एस फोर स्टेट है वापस से अपने जो इलेक्ट्रॉन है फोर इलेक्ट्रॉन्स वाटर को देगी जिसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन इवॉल्व होगी और फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा और वापस से ये जो पिगमेंट होगा अनचार्ज स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम एस फोर टू एस जीरो पीछे हमने डिस्क्राइब किया था कि इसको हम जेड से डिनोट करते हैं वो जेड से क्यों डिनोट करते हैं क्योंकि जो टायरोसिन है ये माना जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर है पी एस टू का वो एक टाइरोसिन अमाइनो एसिड है और टायरोसिन जो भी अमाइनो एसिड है ट्वेंटी अमाइनो एसिड इन सब के लिए एक अल्फाबेट डेजिग्नेट किया गया है तो इसी टाइप से जो टायरोसिन है उसको जेड से डिनोट करते हैं अगर अल्फाबेटिकली सिंबल में हम उसको डिनोट करेंगे तो इसीलिए इसको हम ये जो कॉम्प्लेक्स है उसमें पीएस टू जो फोटो सिस्टम टू रिएक्शन सेंटर है उसकी वाई जेड सब यूनिट ऑफ डी वन जो डी वन प्रोटीन्स हैं उनके अंदर वाई जेड यूनिट है और वो टायरोसिन है जो इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इमीडिएट तो इस वजह से इनको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इन टायरोसिन के अलावा मैग्नीज क्लोराइड और कैल्शियम आयन का भी इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि जो ये स्टेजेस हैं एस जीरो से लेके और एस फोर तक ये माना जाता है कि जो ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स है मैग्नीज की क्योंकि मैग्नीज की भी यही फोर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं मैग्नीज जीरो जिसपे कोई चार्ज नहीं होगा Mn plus 1, 1 charge, Mn plus 2, 3, and 4, so on. So these are represented the different oxidizing state of magnesium. Now photophosphorylation. It is made up of two words photo and phosphorylation. Phosphorylation means addition of phosphate group. फोस्फोराइजेशन मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो इट सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फोस्फेट जो एडीपी और इनऑर्गे एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इन क्लोरोप्लास्ट इट इज कार्ड फोटो फोस्फोराइजेशन मीन्स फोस्फोराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीवस दैट इज कार्ड फोटो फोस्फोराइजेशन it was discovered by the arnon et al in 1954 photophosphorylation is of two types cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation in cyclic photophosphorylation only one photosystem is involved that is photosystem 1 and in non-cyclic photophosphorylation both photosystem 1 and 2 are involved Non non को non क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा टू से वो वापस इसके पास नहीं आता है लौट के इट कांट रिटर्न बैक टू द फोटो सिस्टम टू इट गोज टू द फोटो सिस्टम वन एंड यूज दैट्स वाई इट इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइजेशन इन दिस नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइजेशन Both photosystem 1 and photosystem 2 are involved here. The photosystem 2 gets the light energy absorb it and get excited from ground state to the excited state where it leaves it, it transfer its 4 electron to the other electron receptors, pheophytin, plastoquinone, cytochrome B6F complex, and plastocyanin and last the plastocyanin transfer these electrons to the photosystem 1 here in the transfer from cytochrome BF complex to the plastocyanin cytochrome BF complex lose some energy in form of light and that energy is used for the formation of ATP photosystem 1 transfers the light to the FRS and then ferredoxin and it causes the reduction of the 2 NADP into 2 NADPH and H plus ions are removed here. This takes place with the help of 4 H plus ions that are evolved during the photolysis of water. These help in the reduction of these 2 NADP plus 2, 2 NADPH. So in this non-cyclic photophosphorylation ATP is also synthesized here and reduction of nadph is nadp to nadph is also takes place here so assimilatory power also synthesized in this reaction cyclic photophosphorylation cyclic photophosphorylation is different from the non cyclic first is that it involves only the photosystem one, in which reaction center is P700. Second, the electron expelled from photosystem one returned back to the photosystem one, not used elsewhere. इज़ लो लाइट इंटेंसिटी जो फोटो सिस्टम वन है वो कब जो साइक्लिक रिएक्शन है जो साइक्लिक फोटोफोस्राइलेशन है वो कब होगा जब जो लाइट इंटेंसिटी है वो लो होती है और जब लाइट की इंटेंसिटी लो होगी तो उस टाइम जो वेवलेंथ है वो हाई होगी तो हाई वेवलेंथ पे जो फोटो सिस्टम वन है सिर्फ वही लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है तो उन कंडीशन में जब लाइट की इंटेंसिटी कम होती है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उस टाइम पे फोटो सिस्टम वन एक्टिव होता है और ये जो फोटो सिस्टम वन है ये मोस्टली बैक्टीरिया में एक्टिव होता है नॉर्मली जो प्लांट्स है उसमें नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइजेशन होता है ग्रीन जो प्लांट्स हैं जो साइक्लिक फोटोफोस्फोराइजेशन है वो मेनली बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होता है in cyclic photophosphorylation after absorbing the light of longer wavelength this photosystem 1 become active and transfer and go to the excited state and transfer its electron to the frs ferredoxin then ferredoxin to cytochrome b6 cytochrome f and plastocyanin and again these electrons come back to the or return back to the photosystem 1 during this reaction

जो डार्क रिएक्शन है वो नहीं होगी उस टाइम पे जब प्लांट को कम से कम एनर्जी की जरूरत होती है जब एन जो सिंथेसाइज है सेल में ऑलरेडी उनको प्लांट यूज नहीं कर पा रहा है उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे जो एन टू का सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाता है तो उस टाइम पे सिर्फ साइक्लिक रिएक्शन होगा जब प्लांट्स के पास एक्सेस में एनडीपीएस तो प्रेजेंट होगा तो उसको और एनडीपीएस सिंथेसाइज नहीं करना पड़ेगा तो इस टाइप से ये साइक्लिक रिएक्शन होगा इसमें एनडीपीएस की सिंथेसिस नहीं होगी इसमें सिर्फ एटीपी की सिंथेसिस होगी सिग्निफिकेंस ऑफ द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है क्यों होता है क्या सिग्निफिकेंसेस की वी हैव सीन दैट ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन

Like Kelvin cycle of the photosynthesis NADPH is also required. So, only cyclic uh, reaction can't drive the dark reaction of the photosynthesis. On the other hand, in non cyclic photophosphorylation, both ATP and NADPH are synthesized, but ATP synthesized there is not sufficient to drive the dark phase of the photosynthesis so this deficiency of atp that occurs during non cyclic reaction is covered by this cyclic photophosphorylation for the certain period only when cyclic photophosphorylation occurs which cover up the deficiency of atp that is in the non cyclic photophosphorylation secondly the cyclic photophosphorylation May be an important process in providing the ATP for the synthetic process. Many synthetic process does not require the NADPH as assimilatory power. They require direct ATP. So, instead of photosynthesis, these ATPs also, these ATP synthesized during cyclic photophosphorylation also helpful in the synthesis of starch, proteins, lipids, and nucleic acid and various pigments in the chloroplast so in these two ways cyclic photophosphorylation is significance for a plant now difference between cyclic and non-cyclic photophosphorylation in cyclic photophosphorylation only photosystem 1 is involved and in non-cyclic photophosphorylation both photosystem 1 and 2 are Involved as photosystem 1 is involved, so there is no evolution of oxygen and photolysis of water because oxygen and photolysis of water are attached with the photosystem 2. So these process occurs in the photos uh, non-cyclic photophosphorylation where both the photosystems are present. In cyclic photophosphorylation, electron released from photosystem 1 return back to the photosystem 1 through various electron carriers here the electron released from photosystem 2 photosystem 2 are utilized by the photosystem 1 and does not return back to the photosystem 2 in cyclic photophosphorylation only atp is synthesized and in non cyclic photophosphorylation both atp and nadph2 are synthesized cyclic photophosphorylation takes place in the isolated chloroplast or bacterial photosynthesis because in isolated chloroplast, we separated out the different uh, we separated out the different part of the chloroplast. Commonly takes place in green plants only. No effect on DCMU, it is a herbicide or inhibitor, so it does not inhibit the cyclic photophosphorylation, but DCMU inhibits the process of non-cyclic photophosphorylation. This is all about the mechanism of light phase of the photosynthesis. Thanks.